देखो मैं भारत सरकार को बेनती करूंगा, मैं पंजाब का NRI मिनिस्टर हाँ। मैं सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार वालों केंद्रीय मंत्री ने एक लैटर लिखी है कि तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट हलकत आके कनेडा गवर्नमेंट ना गल करके जड़े बच्चे जिन्हों का धोखा होया जालसाजी हुई है एक एजेंट ने धोखा करके उन्होंने उत्थे फसाता और बच्चे उत्थे धरना ला लिया 700 बच्चा उन्होंने भविख ना खिलवाड़ हो गया उन्होंने पैसे भी बर्बाद हो गए सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी बेनती है कि केंद्रीय मंत्री क्योंकि असी सीधी उच्च दखलदारी नहीं कर सकते थ्रू केंद्र सरकार ही कर सकते केंद्रीय मंत्री सीधा कनेडा गवर्नमेंट ना गल करके उन्होंने बच्चों की एक डेपुटेशन होके एक जिस ट्रैवल एजेंसी के राही होके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी के कोलों मांग करदा क्योंकि वो ट्रैवल एजेंट जिन्हें एक बच्चे भेजे है वो पंजाब का नहीं गा बाहर नहीं गए स्टेट का तो मैं मांग करदा कि बंदे जेल सुटा जाए इन्होंने बच्चों के जो पैसे है वो रिकवर किए जाए और दखलदारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट दखलदारी करके उन्होंने बच्चों की जी डेपुटेशन हो ये असी वाले जेडे थां थां ते जेडे गलत गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसियां इस वेले पंजाब जां दूजे होर सूबे दे विचों आके जेडी मनुखी स्मगलिंग हो रही है जेडी लोकां नूं बेचारिआं नूं पता नहीं लगता पंजाबदिआं नूं वी साडे नाल की हो रहा उस मनुखी स्मगलिंग नूं मतलब जेड़ा रोकण वास्ते जेड़े झोला छाप गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट है उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे और इस मनुखी स्मगलिंग नूं जिहड़ा रोकिआ जाए। नहीं कानून से भी मतलब सोध होनी चाहिए पर मैनूं लगता कि सोध ज्यादा जिहड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आऊगी जे साडे पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आउंदी हुई तो मैं जरूर अपने मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करूंगा कि आपां इह कानून दे सोध करिए कोई भी ट्रैवल एजेंट इस मनुखी स्मगलिंग वर्गा काला धंधा ना कर सके और लोगों के नाल खिलवाड़ ना हो जे सानू पंजाब की असैम्बली कोई सोध करनी पई वह भी करांगे नहीं तो होम मिनिस्टर नूं कहांगे कि वह लोक सभा दे विच इहदा मतलब जिहड़ा वह लियावे मैं अपनी पार्टी के जिहड़े राज सभा के मैंबर है सारे राघव चड्ढा जी दूजे जिन्ने मैंबर ने उन्होंने भी बेनती करूंगा कि जो हूँ सैशन आए पार्लीमेंट का तो वह मतलब जरा राज्यसभा दे विच हुणे साडे रिंकू जी जिंदर तो जिते उन्होंने बेनती करूंगा कि लोग सभा दे विच वो इस कानून नूं सोध कर मतलब जी पैरवाई कर क्योंकि साढ़े को 10 राज्यसभा मैंबर ने आम आदमी पार्टी के और राघव चड्ढा जी बहुत इंटैलीजेंट ने समझदार ने उन्होंने कहूँगा कि तुसी सारे करके कि तरह लोग सभा के राज्यसभा के कानून बनाओ कि कोई भी बंदा हिम्मत ना कर सके मनुखी संबंध झोला छाप यही ने ना इन्होंने पहला तो टिकटा बेचने लिए खोल लेंगे पहला तो ट्रैवल एजेंसी खोलते सहसा जी फिर अगे दूजा धंधा शुरू करते जिन्हें भी गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट बस उन्होंने खिलाफ कर रहे नहीं उन्होंने केस की अपडेट है कि इस महीने के लास्ट मंथ लास्ट वीक 26 जून में उन्होंने शायद मतलब जरा वो केस की ट्रायल शुरू हो रहा उन्होंने घरदों ने उतों फोन भी आया उन्होंने कागज वगैरह मंगे वो भेजेंगे और मैनू विदेश सकत्र ने उदर ही कहा बाद गल हुई थी और जो भी कार्रवाई मतलब जी असं जो भी मदद कर सकते वो उन्होंने करांगे अक्सर उन्होंने पर्चा आया ट्रायल तो उन्होंने होगा पर ट्रायल होंगे कि टाइम लगता वो वेखना पवेगा आपां नूं पर आपां उन्हां दी पूरी मदद नहीं देखो हर बंदा जाना चाहता वो जावे कोई गल नहीं बट जो जाना उदो उतों के कॉलेज जिथे जाके उन्होंने दाखला लेना अजकल ऑनलाइन सिस्टम है कॉलेज का पूरा बायोडाटा कॉलेज की हिस्ट्री हर चीज़ कानूनी तौर पर देखे जिहड़ी ट्रैवल एजेंसी के नाल उन्हां दी गल हो रही है उन्होंने पूरा रैकेट वेखे मतलब कोशिश करके यार गैर कानूनी ना जाए कानून के अनुसार जाने मेरी बच्चों को बेनती उन्होंने मापियां को बेनती है
काली ना कर जेड़ा बच्चा पढ़ा लिखा अजकल ग्लोबलाइजेशन का युग है पूरी दुनिया के तहे दरवाजे खुले है जे ते पले एजुकेशन है तो तुम कोई नहीं डक सकता पर तुम गलत काम नहीं करना यह मैं उन्होंने बेनती करूँ।